नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आपको भी हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं किस तरह से देश की महिलाओं ने पूरे विपक्ष को जमकर धोया। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। राहुल गांधी जी के विषय में क्या कहें, उन्होंने तो कभी अगर सोचा होता तो आज वो उनकी सरकार बनी होती। डूब मरो कांग्रेस यो। लेकिन हमारी जिस तरीके से सरकार बन रही है और हमेशा जिस तरीके से कार्य कर रही है महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की तरफ, उस तरीके से किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। तो 400 पार होगा लग रहा है इस बार? जी बिल्कुल 400 पार होगा। हम सारी महिलाएं मिल करके मोदी जी को सपोर्ट करेंगे और बिल्कुल 400 पार होगा। मोदी ने 10 साल में कुछ काम किया क्या? 10 साल में बहुत काम किया है मोदी सरकार ने और हम खुश हैं कि पिछले 10 सालों में भारत को एक ऐसी सशक्त सरकार मिली है कि जिसका ना ही भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व पटल में जिसका डंका है। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि इन्होंने तो बेच दिया देश को, देश का बंटाधार कर दिया। आरोप तो लगाते रहेंगे लेकिन अब विपक्ष ने क्या किया 75 साल में, आज उसका तो दौरा बोरा दे। विपक्ष जो कहते हैं कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है, ठीक रहा है? नहीं, वो बज रहा सुनाई दे रहा है। बहुत डेवलपिंग कंट्री हो रही है, सब बोल रहे हैं। अभी जो चंद्रयान हुआ उसका डिस्कशन हुआ, साउथ पोल में जो हुआ तो वो कहीं नहीं हुआ है। तो मतलब उस हिसाब से मतलब मुझे भी प्राउड फील होता है ना, बाहर के लोग अभी साउथ पोल में अभी जो अपना चंद्रयान गया वो सब सुन के अच्छा लगता है। मोदी सरकार अच्छी सरकार बनी है लड़कियों के लिए। बहुत इनकी बात सुन के बोल रही हैं? इनकी बात सुन के नहीं बोल रही हूँ, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा करा है। सुकन्या मंगला योजना है, गरीब लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा एजुकेशन में भी साथ दिया है। ये सब चीज मोदी सरकार ने ही तो की है, वरना लड़कियों को क्या मिल रहा था? कुछ भी नहीं। लेडीजों को कोई सम्मान नहीं था, लेडीजों के लिए समूह बने हैं। अपने घर में आदमी से वो नजरों से नजरें मिला के बात कर सकती हैं, वरना हर शख्स ये जानता था कि लेडीज हमारे लिए कुछ है ही नहीं। अब कम से कम वो अपने लिए काम कर रही है तो आदमी भी उसे सम्मान दे रहा है, तो ये मोदी सरकार में ही हुआ है। बोल रहे 1 लाख रुपए साल का देंगे, 8.5 हजार रुपए। सरासर झूठ बोलते हैं, वो कुछ नहीं देंगे। देते तो 70 साल बाद महिलाओं को शौचालय देने के लिए प्रधानमंत्री जी को लाल किले से नहीं बोलना पड़ता। अगर वो देते तो इतने घरों में बिजली पानी और इतने गरीब लोग नहीं होते। 70 साल में इस देश की दिशा और दशा बदल चुकी होती। तो राहुल गांधी ना समझाएं उन्हें, अगर अकेला छोड़ देना तो वो घर वापस नहीं जा सकते। ये क्या बात? हिंदुस्तान में क्योंकि उन्हें धरती का कुछ पता नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। 10 साल में बीजेपी ने कैसे काम किए? बीजेपी के कामों में सबसे मुख्य बात यह है कि दंगा रहित सरकार है और महिलाओं को सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उन्हें सुरक्षा का भाव रहना चाहिए। आज रात बिरात जितने बजे भी महिलाएं चाहती हैं वो आराम से निकल पाती हैं क्योंकि उनको पता है कि अब गुंडई का राज खत्म हो चुका है। वा, 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 वा। तो विकास की दर भले धीमी हो लेकिन गुंडा राज नहीं होना चाहिए। 2024 में मोदी जी, एक तरफ मोदी जी है एक तरफ कांग्रेस का गठबंधन है, भाई वो कह रहे 400 पार, वो कह रहे बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दे। उनकी ऐसी की तैसी। बीजेपी का सूबा साफ नहीं होगा, बीजेपी तो बस चल गई, ता जिंदगी आना है उसे, जिंदगी आना बस बस योगी मोदी और कोई नहीं। वाह 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 वाह। राहुल गांधी तो कहीं लाइन में नहीं है, पप्पू है अभी तो, पप्पू है वो तो, पप्पू रहेंगे भाई। काम आप बताइए ना, कौन सी सरकार हमें काम करवा के दे गई? एक ही सरकार ने तो हमें काम करवाया है। 2014 से लेके अब तक का आप पूरा उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, कितने काम हुए हैं महिलाओं के लिए। खासकर मेरी बहनें आधी रात को भी घर से जब आती हैं तो बिल्कुल अच्छे से आती हैं। माओं को चिंता नहीं होती कि मेरी बेटी बाहर है और वो आधी रात को घर आएगी तो बिल्कुल सुरक्षित आएगी। मोदी जी ने इतनी छोटी से शुरुआत की शौचालय की, जो किसी ने नहीं सोचा। किसने सोची ये बात? मोदी जी ने। राहुल गांधी जो विपक्षी पार्टी है जो बोलती रहती है, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए विपक्षी पार्टी तो बोलना काम है, अब तो उन लोग के जी में कुछ काम धंधा है नहीं तो अपना राग बिलाप करवे करेंगे कि मोदी ये किए हैं, मोदी वो किए हैं। तो भाई वो करते रहे, अपना काम है करता, जितना है बकते रहे, हम लोग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू यादव को सुना आपने, तेजस्वी यादव को सुना आपने, किस तरीके बयानबाजी किया उन्होंने मोदी को लेकर? सुनिए ना, बोलते परिवार ही नहीं है उनके पास, औलाद ही नहीं है, वो क्या जानेंगे। हम लोग खुद परिवार है, खुद परिवार है, मोदी के परिवार है हम लोग। आप लोग? हाँ, 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितना को भारी पड़ रहा है।
को भारी बना। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।